हाय एवरीवन वेलकम टू करंट क्रंच आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पोर्शन स्कीम्स का ये करंट अफेयर्स का एक पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है करंट अफेयर्स का चाहे आप स्टेट सेंटर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो इसके और भी पार्ट्स आएंगे फ्यूचर में ये मेरा ई मेल है अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं इस वीडियो का पी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसके लिए आपको मेरी ऐप आप डाउनलोड करनी होगी करंट क्रंच प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर वहाँ से आप वहाँ पर एक अलग कोर्स बना होगा करंट अफेयर्स का जहाँ से आप फ्री में ये पी डाउनलोड कर सकते हैं तो पहले थोड़ा करंट क्रंच के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज करंटली हम इस पर करवा रहे हैं तो एक तो आपका सोशोलॉजी का आंसर राइटिंग बैच चल रहा है यूपीएससी जेकेपीएससी का हमारे के एस की प्रबलम्स की टेस्ट सीरीज़ नए तहसीलदार कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर एंड जून एंड हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट वाला ठीक है तो जो कांस्टेबल एंड जूनियर असिस्टेंट है इनकी अलग से आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी एंड ये सारे कोर्सेज देखने के लिए आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी क्वेरी होगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्कीम एग्रीश्योर -Sure. तो स्कीम्स में आपको क्या याद रखना है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किस स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये आपको याद रखना है कोई एक स्पेसिफिक स्कीम uh, जो होती है ना वो किस कैटेगरी के लिए लाई गई है फॉर एग्जांपल कोई स्कीम uh, होगी वो सिर्फ वुमेन के लिए लाई होगी या डिसेबल्ड के लिए लाई होगी ठीक है या किसी एक एज कैटेगरी के लिए लाई होगी या कोई ऐसा स्कीम uh, होती है जो सिर्फ आर्मी ऑफिशर्स के लिए लेके आए होते हैं तो ऐसी जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं स्कीम्स के बारे में वो आप याद रखोगे फाइन तो एग्रीशर के बारे में बात करते हैं लॉन्च की थी यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर ने 750 फिफ्टी करोड़ इसका टोटल फंड साइड फंड साइज था ये अगर आप याद ना भी रखना चाहो तो इट्स ओके ऑफिशियली इट वाज नेम्ब एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस तो इसमें बेसिकली होगा क्या जो भी uh, आपके हाई रिस्क एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वेंचर्स हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम में मतलब जो टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल आप एआई यूज़ कर रहे हो ठीक है अपने एग्रीकल्चर रूरल इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए तो उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व रहता है एंड जो भी टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है उन सबको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए ठीक है वो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल सकता है या कोई रिस्क कवरेज का इंश्योरेंस मिल सकता है फाइन तो इसमें कंट्रीब्यूट कौन कौन करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा नबार्ड करेगा एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स करेंगे तो नबार्ड हमें पता है क्या होता है अगर आप आपने प्रिपेयर कर रहे हो आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये स्टेब्लिश हुआ था नाइनटीन में प्रमोट करने के लिए किसको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को ठीक है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट इनोवेशन एंड ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना प्रोडक्टिविटी ड्राइव करना एंड फार्मर्स को एम्पावर करना एंड एनकरेज करना टेक्नोलॉजी एड ऑप्शन तो जेनरिक्स ऑब्जेक्टिव इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है आप अगर इतना भी याद रखोगे स्कीम किस चीज के लिए लाई गई है उसका एम क्या है तो ऑब्जेक्टिव का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट ठीक है फिर इसमें कुछ अवार्ड्स मिलेंगे दैट इज एग्रीश्योर ग्रीनथन अवार्ड्स दिए गए हैं तो उस अवार्ड्स के टॉप थ्री विनर्स जो हैं वो ये स्टार्टअप कंपनीज हैं ग्रीन एंड ठीक है ग्रीन वन इज जल संचय जन भागीदारी प्राइम प्रा, मिनिस्टर ने लॉन्च की कहा लॉन्च की है ये याद रखोगे गुजरात में लॉन्च की है तो इसमें क्या होगा बेसिकली जो कम्युनिटीज होती हैं जो लोकल लोग होते हैं लोकल पॉपुलेशन उनको इन्वॉल्व किया जाएगा कन्वर्जेशन ऑफ वाटर में ठीक है तो इसमें आपको कम्युनिटीज है वो कीवर्ड है कम्युनिटीज याद रखना है फ़ाइन जैसे एग्जाम में आ सकता है कि जो विलेज हेडमैन है उसको ये करेंगे और इन्वॉल्व करेंगे उसमें या कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है अथॉरिटी दी जाएगी ऐसा कुछ आपको ऑप्शन बना के दे सकते हैं तो ये याद रखना है आपको कम्युनिटी जन भागीदारी भागीदारी मीन्स पार्टिसिपेशन जन होते हैं आपके नॉर्मल लोग तो लोगों की पार्टिसिपेशन होगी वाटर के कंजर्वेशन में सिंपल तो स्कीम्स में क्या करोगे जैसे जो स्कीम का नाम होता है ना उसमें से कीवर्ड को कैसे रिलेट करना है वो आ, देखने की कोशिश आप करोगे ठीक है उससे आपका जो आ, इनको याद करने का तरीका है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा इसका कनेक्शन और एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंपेन के साथ है जिसको बोलते हैं जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ठीक है तो करेगा क्या बेसिकली इंश्योर करेगा कि वाटर इज अवेलेबल फॉर एवरीवन बोथ नाउ एंड इन द फ्यूचर वाटर कंजर्वेशन के लिए एंड कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना जल संचयन भागीदारी फिर आपका पेयर इनिशिएटिव पेयर इज पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम तो एग्जाम में कैसे आ सकता है पेयर दिया गया होगा एंड बोला होगा कि ये किससे रिलेटेड है ये किस ये एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है या आपके किसी पॉलिटिक्स का कुछ लिखा होगा पॉलिटी का कुछ लिखा होगा या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है ये है आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन्हेंस करना उसको प्रमोट करना स्पेशली कहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ठीक है तो इसमें होगा क्या टॉप टेर जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो पार्टनरशिप करेंगे उन इंस्टीट्यूट्स के साथ जहाँ पे रिसर्च का काम सही से नहीं हो रहा है अभी भी जिनके पास उतनी ज़्यादा

आप याद रखोगे किससे रिलेटेड है आपके रिसर्च प्रोग्राम से आगे चलते हैं बायो ई थ्री पॉलिसी बायो ई थ्री पॉलिसी किसके लिए लाई गई है ये लाई गई है आपको नाम से इतना तो क्लियर होगा कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है पहले मैं सिंपल आपको ये बताती हूँ बायो क्या मतलब वो आपका लाइफ एंड टेक्नोलॉजी यू नो ठीक है जो हम अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन पार्ट इज और टेक्नोलॉजी तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे प्लांट्स हो गए एनिमल बैक्टीरिया उनको हम यूज करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या कोई इनोवेटिव प्रोसेस बनाने के लिए तो हम लाइफ को यूज करते हैं कोई ऐसे इनोवेटिव uh, प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने बीटी कॉटन बनाया ठीक है तो बेसिकली इसको ऑल्टर किया गया बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस करने के लिए एक ऐसा प्रोटीन जो नेचुरली अकरिंग जो नेचुरली क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा प्लांट्स को फ्रॉम सर्टेन पेस्ट्स तो ये आपने बीटी कॉटन कहाँ से डिराइव किया कॉटन से वहां से आपने बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वो यूज करके बीटी कॉटन बनाया कॉटन ये क्या करेगा ये प्रोड्यूस करेगा ऐसा प्रोटीन जो नेचुरली प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को फ्रॉम सर्टन पेस्ट वो कौन सा पेस्ट है कॉटन बॉलवॉर्म ठीक है खैर इसका पार्ट नहीं है ये यह बस यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आया था तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया हमारा काम है देखना बायो ई थ्री पॉलिसी बायो ई थ्री पॉलिसी है क्या बेसिकली ये पॉलिसी क्या करेगी आपके जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको सपोर्ट करेगी कैसे सपोर्ट करेगी थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट उसको सपोर्ट करेगी ठीक है एंड इंश्योर करेगी कमर्शलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल इनोवेशन दैट मीन जो भी बायोलॉजिकल अगर कोई स्टार्टअप है ठीक है उसने बायोटेक्नोलॉजी यूज करके कोई ऐसी चीज बनाई है कोई प्रोडक्ट बनाया है फिर उसको मार्केट में लाना ठीक है उसके लिए डील्स क्रैक करवाना एंड उसको मार्केटाइज करना कमर्शलाइज करना कि जो स्टार्टअप है वो भी चले और फर्दर जो है आगे ऐसे इनोवेटिव काम होते रहे और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है उसमें भी हेल्प हो जाए तो दो चीज़ें इसमें आएंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी आ गया उसको भी सपोर्ट करेगा एंड ऑन्ट्रप्रनरशिप को भी सपोर्ट करेगा कैसे कमर्शलाइज करके बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशनस को इसमें आपको अब याद रखना है जो ई है या ये किस किस चीज़ को यहाँ पे जो है इंडिकेट करता है दिस इज़ योर इकोनॉमी एन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट तो ई थ्री के जो जो तीन नाम हैं इन्वायरमेंट इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट वो चीज़ें आपको याद रखनी है बायो से आपको याद आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा एंड गवर्नमेंट इसमें एंड किस में करेगा आपके इनको कमर्शलाइज करने में एंड ई थ्री क्या है आपका इकॉनमी एन्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट मैं साथ साथ ये इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका रिव, रिविजन जो है वो साथ साथ होता रहे एंड बार बार बोलने से क्या होगा दिमाग में चीजें जो है वो रजिस्टर हो जाती हैं फिर आता है आपका प्रोजेक्ट मौसम तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया ऑन इलेवेथ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ये क्या करेगा ये इसका एम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटमोस्फेरिक साइंसेज एंड इम्प्रूव करने के लिए वेदर फोरकास्टिंग मैनेजमेंट तो आपके वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है एंड आपका एटमोस्फेरिक साइंसेज जो भी इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उससे रिलेटेड है ठीक है तो इसमें आपको याद रखना है एक चीज़ की किसके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ठीक है इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज कौन कौन सी होगी आपकी इंडियन मेट्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्यूरोलॉजी एंड आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोकास्टिंग फिर हो गया पीएम ई ड्राइव स्कीम यह है आपका एक्सेलरेट करने के लिए प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को इन्हांस करने के लिए एयर क्वालिटी को क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ हम स्विच करते हैं तो हमारा जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जो कार से निकलता है पोल्यूशन वो काफ़ी कम हो जाएगा ठीक तो है एंड मिनिमाइज़ करना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो एनवायरमेंट में काफ़ी चीज़ें हैं इंडस्ट्रीज है उसकी वजह से इन्वायरमेंट काफ़ी ख़राब हो रही है बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो रही है ठीक है अब एनवायरमेंट के ख़राब होने में जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन uh, है उसको एटलीस्ट कम करेगा ये अगर ई e व्हीकल्स अच्छे से लॉन्च होते हैं फाइन तो पीएम ई ड्राइव स्कीम किस चीज के रिगार्डिंग है टू एक्सेलरेट दी अडॉप्शन ऑफ ई व्हीकल्स इन इंडिया और एक देख लेते हैं भास्कर भास्कर जो है ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल इंटरनल ट्रेड Uh, इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है एंड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो लॉन्च कर रही है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका शॉर्ट फॉर्म है बास्कर ठीक है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री तो ये क्या करेगा ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे स्ट्रेंथन करेगा स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स को मेंटर्स को सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह को एक प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म वो मिलेगा जैसे अगर मेरा क्रंच एक स्टार्टअप है तो मैं उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करूँ तो मुझे वहाँ पर मेंटर्स मिलेंगे अपने लिए सर्विस प्रोवाइडर्स मिलेंगे जो मुझे अलग अलग सर्विस देंगे कि हम आपके इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं एंड कुछ इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे जो फाइनेंशियली मेरे इसमें स्टार्टअप बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे तो यही ऐसा ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है भास्कर फिर एनपीएस वत्सल स्कीम ये बेसिकली नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसी का एक एक्सटेंशन एक समझ लो आप इसको अनाउंस किया था यूनियन बजट में एंड लॉन्च डेट है इसका एट सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर लॉन्च किसने किया था हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने तो क्या करेगा बेसिकली ये बच्चों के लिए है कि इसमें आप क्या कर सकते हो फैमिली अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट करेगी एज लो एज थाउजेंड रुपीस पर ईयर आप बच्चे के नाम पे जो है वो इन्वेस्ट कर uh, कर सकते हो ठीक है ये प्रोवाइड करता है वेरियस ऑप्शंस टू टेलर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस कि आप किस चीज के लिए सेव कर रहे हो एंड आप कितना रिस्क टेक uh, इसमें स्कीम में कर सकते हो कि रिस्क टॉलरेंस आपकी कितनी है ठीक है तो इंडिविजुअली जो है टेलर मेड इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है वन फॉर ऑल नहीं होगा इसमें आपकी जो कंसिडरेशन है हर किसी की अलग अलग देखी जाएंगी फाइन तो एक्सेसिबल फॉर ऑल होगा फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये याद रख लेना फिर सुभद्र स्कीम सुभद्र स्कीम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी ये किस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है किसका इनिशिएटिव है ओडिशा का वहां की एक गॉडेस है जिनका नाम है सुभद्रा जो यंगर सिबलिंग है ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आपको पीएससी पूछ सकती है इसमें आप याद रखोगे ये सिर्फ वुमेन के लिए लाई गई है वुमेन बेनिफिशरीज के लिए उनको टेन थाउजेंड असिस्टेंस मिलेगी एनुअली ठीक है ताकि उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो रहे एंड वेल वेलबींग ऑफ द वुमेन एंड इसमें आ, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकती है किस किस कौन कौन इसकी बेनिफिशियरी के अंडर आता है वुमेन बिटवीन एज ट्वेंटी वन एंड सिक्सटी तो वुमेन के लिए आ, ये स्कीम लाई गई है ये याद रखना फिर वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम दैट मीनस स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह में आपको वुमेन को कैसे प्रमोट करना है वहाँ पे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट करनी है उस चीज़ पे फोकस करेंगे इसमें आप याद रखोगे इट इज लॉन्च बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और याद रखोगे किसकी कोलैबोरेशन में ब्रिटिश काउंसिल के साथ जैसे एग्जाम में आ सकता है यूरोपियन यूनियन uh, के साथ कोलैबोरेशन में या जर्मन फेडरेशन या कोई भी ऐसा नाम होगा आपको याद रखना है ब्रिटिश काउंसिल ठीक है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूकेरी दैट इज अ यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव तो ये फोकस करेगा वुमेन को कहाँ पे साइंस स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम में ठीक है तो so, ये इसके कुछ की हाईलाइट है इफ़ यू वांट यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स देखो ये कहाँ कहाँ आपको पीडीएफ काम आएगी एक तो आपके प्री में काम आएगी सेकेंडली आपके मेंस में काम आएगी अगर आपका कोई भी ऐसा जीएस का आंसर है जहाँ पे वुमेन्स रिलेटेड कोई चीज आती है जैसे सोसाइटी में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या साइंस एंड टेक में फॉर दैट मैटर तो स्कीम्स का नाम जो है वो आप यूज़ कर सकते हो एज एन एज ए कंटेंट इन योर आंसर्स ऑल्सो तो काफ़ी अच्छा एनरिच हो जाएगा आपका आंसर कहीं कहीं आपके ऐसे में भी ये काम आते हैं आपको ज़्यादा टेल जो है जी के टाइप से अपना ऐसे नहीं लिखना होता ऐसे शुड बी इनोवेटिव लेकिन कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जहां पे आपको इन स्कीम्स के नाम की जरूरत पड़ सकती है फिर आगे आपका पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव तो ये इनिशिएटिव है टूरिज्म सेक्टर का आपको एग्जाम में लिखा जा सकता है कि पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी जो है ये किससे रिलेटेड है वुमेन सेल्फ डिफेंस है वुमेन एजुकेशन है वुमेन हेल्थ है ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है ये रिलेटेड है आपके टूरिज्म से कि टूरिज्म को और ज़्यादा जो है अपनी कंट्री को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए फाइन तो इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये याद रख लेना पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी जो है ये टूरिज्म से रिलेटेड है एंड ये जो प्रोग्राम है सिक्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन में स्टार्ट किया गया वो है आपके ओरछा एम पी आंध्र प्रदेश बोधगया बिहार बोधगया बिहार ठीक है आप कमेंट्स में मुझे बताओ बोधगया जो है किस एक जो इम्पोर्टेंट फिगर है इंडिया में कंसिडर किए जाते हैं रिलीजियस फिगर भी हैं वो उनका नाम लिखो वो बोधगया से कैसे रिलेट करते हैं ठीक है तो कमेंट्स में मुझे बताओ मिजोरम जोधपुर राजस्थान सर विजयपुरम डेस्टिनेशन तो uh, से होगा ई संख्यति पोर्टल ने दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ठीक है इन्होंने पोर्टल इंट्रोड्यूस uh, किया है अब इससे क्या होगा बेसिकली ये गवर्नमेंट uh, जो है उसके पास पावर है उसने मतलब इसको सेंट्रलाइज करने को किसको नेशनल डेटा को तो जो भी डेटा है जैसे एजुकेशन का हो गया हेल्थ का कंट्री का डेटा उसको नेशनल उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो डेटा जाएगा एंड वहाँ से वो अवेलेबल होगा पॉलिसी मेकर्स के लिए रिसर्चर्स के लिए एंड पब्लिक के लिए भी तो इसमें कैसा क्वेश्चन बन सकता है पहले तो ये बन सकता है ई संख्यक की पोर्टल किस रीजन की वजह से लाया गया है तो सेंट्रलाइज करने के लिए जो भी आपका डेटा है जैसे आपकी कंट्री का एजुकेशन का हेल्थ का या कोई भी रिलेटेड डेटा वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा फाइन एंड वहाँ से वो किसको दे सकता है वो डेटा आपके जो प्लानर्स होते हैं पॉलिसी मेकर्स होते हैं रिसर्चर्स होते हैं पब्लिक आपको ऑप्शन में ये लिखा हो सकता है कि दिस डेटा इज आल्सो बी दिस डेटा विल आल्सो बी एक्सेसिबल टू द पब्लिक ठीक है तो इसीलिए ये 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 याद रख लेना प्लानर्स के लिए पॉलिसी मेकर्स के लिए रिसर्चर्स के लिए एंड पब्लिक के लिए तो ये सारी चीज़ें याद रखोगे पब्लिक में फॉर एग्जाम्पल आपके स्टूडेंट्स वगैरह जैसे हैं ठीक है एंड रिसर्चर्स वो भी तो पब्लिक में ही आ गए तो वो भी डेटा यूज़ कर सकते हैं फिर सफाई अपनाओ बीमारी बगाओ सब अभियान ये इसमें आपको आ सकता है कि ये किसने लॉन्च की थी नाम से ही क्लियर है सफ़ाई अपनाओ तो आपके सफाई वाले इनिशिएटिव का ही इससे कुछ रिलेशन होगा फाइन अगर वैसा कोई इसका ऑब्जेक्टिव आ गया सफाई के रिलेटेड तो यू विल बी एबल टू आंसर लेकिन आपको इसमें याद रखना है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है And ये किसके अंडर आता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन टू पॉइंट एंड इसको अलाइन किया है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको अलाइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टॉप कैंपेन ठीक है तो ये हो गया आपके स्कीम्स का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री अभी मैं जल्दी लेके आऊंगी तब तक आपको क्या करना है मेरी ऐप डाउनलोड करनी है कोई भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी यहाँ से सारी मिल जाएगी तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे